नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ो को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी गुल की बन्नू, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। ए मर कलमू है, अकस्मात घेघा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाज़ा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनो गिराफ उलियान बाका जॉन भिनसार भवा की तान ताड़े लाग। राम जाने रात के कैसा निकरा दीदा लागत है, मारे डर के कि कहीं घेघा बुआ सारा कूड़ा उसी के सर पर ना फेंक दे। मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेघा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू कर दिया। तुम्हें बच याद करते अम छनम तेरी खछम। मिरवा की आवाज़ सुनकर जाने कहाँ से झबरी कुतिया भी कान पूंछ छटकाते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, असली नाम मिहिर लाल, जागता था और आंख मलते मलते घेघा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे, खूंचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मनीजर साहब के मुन्ना बाबू, सभी आ जुटते थे। जब से गुलकी ने घेघा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी तब से यह जमावड़ा वहाँ होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियाँ खरीद कर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूली, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, बंडा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उसके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर पहले मिरवा गाना छोड़कर छलाम गुलकी और मटकी अपने बढ़ी हुई तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जंघिया संभालते हुए बोली, एक थो मूली दे देव। ए गुलकी, गुलकी पता नहीं किस बात से खीजी हुई थी कि उसने मटकी को छिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंड उठाया। दुकान लगाकर वह अपनी कुबड़ी पीठ दुरा कर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ा कर गालियाँ देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूली, एक गुलकी, एक मूली सिर्फ। गुलकी ने फिर झड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफ़ेद धुली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत। कोढ़िन कहीं की, कहीं खाने पीने की चीज़ देखी तो जोंक की तरह चिपक गई, चल इधर। मटकी पहले तो पीछे हटी पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट्ट से दे मारी। मूली नीचे गिरी और हाय 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 कर दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रोवो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं, गुलकी चीखी। दुकान दे के हम विपदा मोल ले लिए, क्षण भर पूजा भजन में भी कचर घाव मची रहती है। अंदर से घेघा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात्त स्वर में भूकने, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चौराहे पर तीन चार बच्चों का जुलूस चला आ रहा था। आगे आगे दर्जा बा में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की
संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी खिसकते खिसकते बोली, हमके गुलकी मारिस है, हाय हाय, हमके नरिया में ढकेल दीस। अरे बाप रे, निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तन कर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है, कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। का करोगे, हमें मारोगे? मारोगे हमें? मारेंगे क्यों नहीं, मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिर आए। मटकी ने जीभ निकालकर मुंह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, ए कुबड़ी अपना कुबड़ दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमाया और रूंधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो रही थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेघा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा, ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अबहिन बहिन जी का बुलवाए के दुई चार कनेठी दिलवाई? जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ, मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा। धुतु धुतु धू, जुलूस आगे चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाइकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थी और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई, कैसे आ गई, पहले कहाँ थी, इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना। यह मुसीबत और खड़ी हो गई। मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही या ढोल गले बांधेंगे, बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया। सुना चल बसा तो डरी कि कहीं मकान हम लोग ना दखल कर लें, और मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार, जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो, रुपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है, 10-5 दिन का नाज पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ हाँ, सारा घर उठा के भेज देव। सुन रही हो घेगा बुआ? तो का भवा बहू, अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही। घेघा बुआ की आवाज़ आई, बेचारी बाप की अकेली संतान रही, यही के ब्याह में मटिया मेट हुई गवा। पर ऐसे कसाई के हाथ में दिहिस की 5 बरस में कुबड़ निकल आवा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूँ मैं, ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर, साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया। जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना, अब कैसे गुजारा हो उसका। बिटवा एको दुकान खुलवाए देव, हमरा चौतरा खाली पड़ा है, यही रुपया 2 रुपया किराया दे देव कर, दिन भर अपना सौदा लगाए ले, हमका मना करी थे। इतना बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम ना आई तो का हम छाती पर धै ले जाब, पर हाँ मुला रुपया दे देव करे। दूसरे दिन यह सनसनी खेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा पड़ा था पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जुड़े थे, लकड़ी के खंभे थे, उस पर टीन छाई थी, कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किल किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थीं।
एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबिड्डी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीढ़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरों को खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किले बंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उससे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि यह चोर है, इसका बाप 100 रुपये चुरा कर भाग गया, यह भी उसके घर का सारा रुपये चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी, मुन्ना ने कहा, भगवान सबको दंड देता है। निर्मल बोली, ससुराल में भी रुपया चुराए होगी। मेवा बोला, अरे कुबड़ थोड़े है, वही रुपया बांधे है पीठ पर, मनसेधु का रुपया है। सचमुच? निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं, क्या कुबड़ थोड़ी है तो दिखावे। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है। गुलकी से कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी ना जाना उसके यहाँ, हराम ज्यादा दूसरी औरत कर ले, चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के मत्थे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूँगी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की ज़रूरत हो तो बताना बहन। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सत्ती को यह कुबड़ी डराने के लिए बुलाती है। इसने उसके गुस्से में आग में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका ईजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वह उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए, कुबड़ी कुबड़ी का हिराना, सुई हिरानी सुई हिरानी, सुई लेके का करबे, कंथा सीबे कंथा सीबे, कंथा सी के का करबे, लकड़ी लाओबे लकड़ी लाओबे, लकड़ी लाए के का करबे, भात पकाइबे भात पकाइबे, भात पकाए के का करबे, भात खाबे भात खाबे, भात के बदले लात खाबे। और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती, उसकी कोहनियाँ और घुटने छिल जाते, आँख में आंसू आ जाते और ऊँट दबाकर वह रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए, तो इसके पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचिते में इतनी जोर से ढकेल दिया कि वह कुहनी भी ना टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक होंठ और भौं खून से लथपथ हो गए। वह हाय हाय कर इस पूरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई चिल्लाते हुए सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी, वे जान छोड़ भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं और दांत से खून बह रहा है, अध उखारी चबूतरे से नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेघा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, औकात रत्ती भर न और तेहा पौवा भर, आपन बखत देखकर चुप न रहा जात, कहे लड़कन के मुंह लगत हो। लोगों ने पूछ तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने उस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे।
बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर ना जाने वह क्या सोचकर चुप रह गई। और जब नारा लगाते जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के का है, गली के राक्षस हैं। घेघा बुआ बोली, अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमारा भाग भी खोटा है। गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा, इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद थे और गुलकी कभी दुकान लगाती थी कभी नहीं। राम राम करके तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिलबोटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई निमकौड़ियाँ बीन कर दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूली, घिया, बंडा। थोड़ी देर में काफ़ी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए। अकस्मात शोरगुल से चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूम कर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है। तुरंत मेवा गया और पता लगा लाया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है। दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को भी एक भी निमकौड़ी मत देना, रहे उस कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने आँख चमकाकर गोल मुंह करके कहा, हमार अम्मा कहत रहीं, उन्हें छियो ना, ना साथ खायो ना खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है, आग थू। मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उपकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस सा आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिलके गाओ तो एक अधन्ना दें, खूब जोर से। भाई बहन दोनों ने गाना शुरू किया, माल कताली मल जाना, पल अंकिया किछी छे। अकस्मात पटाक से दरवाज़ा खोला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेघा बुआ गर्जी, दूर कल मुहे, अबहीन बित्तो भर के नाही ना, और पतुरियन के गाना गाबे लगे, ना बहन का ख्याल ना बिटिया का। और ए कुबड़ी, हम तुहू से कहे दई थे कि हम चकला खाना खोले के बरे अपना चौतरा नहीं दिया रहा, चली हुआ से मुजरा करावे। गुलकी ने पानी उधर छिटकाते हुए कहा, बुआ बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर होई गवा। ऐ हाँ, बच्चे हैं, तुहू तो दूध पियत बच्ची हो, कह दिया कि जबान न लड़ायो हमसे। हाँ, हम बहुत बुरी हैं, एक तो 5 महीने से किराया नहीं दियो और हियाँ दुनिया भर के अंधे कोड़ी बटूर रहा थे। एक तो 5 महीने से किराया नहीं दियो और हियाँ दुनिया भर के अंधे कोड़ी बटूर रहा थे। चलो उठायो अपनी दुकान हियाँ से, कल से ना देखी हियाँ तुम्हें। राम राम, सब अधर्म की संतान राक्षस पैदा भये हैं मोहल्ले में, धरतियों नहीं फाटत कि मर बिलाए जाएं। गुलकी सन्न रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था, बिक्री नहीं थी, मोहल्ले में उनसे कोई कुछ लेता ही नहीं था। पर इसके लिए बुआ निकाल देगी यह उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे भी महीने में 20 दिन वह भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे, मकान गिर चुका था। एक दलान में वह थोड़ी सी जगह में सो जाती थी, पर दुकान तो वहाँ रखी नहीं जा सकती थी। उसने चाहा कि वह बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी ज़ोर से दरवाज़ा खोला था उतनी ही ज़ोर से बंद कर दिया। जब से चौमास आया था, पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी, उसके पांव कांपते थे, सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था। पर अब होगा क्या,
वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक फूट निकाल लिया है और मर भूखी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही थी। एक क्षण वह उसके फूलते पचकते पेट को देखती रही, फिर ख्याल आते ही कि फूट पूरे 10 पैसे का है, वह उबल पड़ी और सड़ासड़ 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, चोटी कुतिया, तोरे बदन में कीड़ा पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा, पर वह नाली में से फूट के टुकड़े टुकड़े उठाते हुए भागी। ना रोई ना चीखी, क्योंकि मुंह में भी फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़ सड़ उसने मिरवा को मारना शुरू किया। भाग यहाँ से हराम जादे, मिरवा दर्द से तिलमिला उठा। हमला पैछा देव तो जाए, देत है पैछा, ठहर तो। सड़ सड़ रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था, सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की और घूम कर बोला, मेवा बता तो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिरवा तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे, तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला, हाँ हमें छुओ मत, नीम कौड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे। मिरवा समझ गया, सर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने निमकौड़ी उसके पास रख दी और चोट भूलकर पकी निमकौड़ी का बीजा निकालकर छीलने लगा। इतने में उधर से घेघा बुआ की आवाज़ आई, ए मुन्ना तई तू लोक परे हो जाओ, अभिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा, तिछत्ते पर घेघा बुआ मारे पानी के छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से तिछत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहाँ से दूर थे, पर गुलकी को सुनने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराहती हुई उठी, कुबड़ की वजह से वह तन कर तिछत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखा, ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली काहे खोल रही हो, उधर की खोल लो ना। काहे उधर की खोली, उधर हमारा चौका है कि नहीं, इधर हमारा सौदा लगा है, ए बुआ। बुआ हाथ चमका कर बोली, सौदा लगा है राहनी साहिबा का, किराया दय की दाई हियाव फाटत है, और टर्राए की दाई नटई में गामा पहलवान का जोर तो देखो। सौदा लगा है तो हम का करी, नारी तो यह खुली है, खोलो तो देखें। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा, आज तक किसी ने उसका वह स्वर नहीं सुना था। 5 महीने का 10 रुपया नहीं दिया बेशक, पर हमारे घर की धन्नी निकाल के बसंतू के हाथ किसने बेचा? तुमने पश्चिम ओर दरवाज़ा चिरवा के किसने जलवाया? तुमने, हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला हमें मिल के मार डालो, हमें चोरी लगाती है। अरे कल की पैदा हुई, बुआ मारे गुस्से के खड़ी बोली बोलने लगी थी। बच्चे चुप खड़े थे, वे कुछ कुछ सहमे हुए थे। कुबड़ी का यह रूप उन्होंने कभी ना देखा ना सोचा था। हाँ हाँ हाँ, तुमने ड्राइवर चाचा से, चाची ने सबने मिलकर हमारा मकान उजाड़ा है, अब हमारी दुकान बहाय देख, देखेंगे हम भी, निर्बल के भी भगवान हैं। ले ले ले, भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली में जमा कूड़ा लकड़ी से ठेल दिया। 6 इंच मोटी गंदे पानी की धार धड़ धड़ करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तरोइयाँ पहले नाली में गिरी, फिर मूली खीरे साग अदरक उछल उछल कर दूर जा गिरे। गुलकी आँख फाड़े पागल सी देखती रही और फिर दीवार पर सर पटक पटक कर हृदय विदारक स्वर में डकरा कर रो पड़ी, अरे मोर बाबू हमें कहाँ छोड़ गए, अरे मोर माई पैदा होते ही हमें क्यों नहीं मार डाला, अरे धरती मैया हमें काहे नहीं लील लेती।
सर खोले, बाल बिखेरे, छाती कूट कूट कर वह रो रही थी। और तिछत्ते का पिछले पहले 9 दिन का जमा पानी धड़ धड़ गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक जो हो रहा था उनकी समझ में आ रहा था, पर आज यह क्या हो गया यह उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ हरा खीरा निकालने लगी कि मुन्ना ने डांटा, खबरदार जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वे सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटुर कर खड़े हो गए। सिर्फ मिरवा अलग सर झुकाए खड़ा था। छींसी फिर पड़ने लगी थी और वे एक एक कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली थी। दुकान का बांस उखड़वा कर बुआ ने नाद में गाड़कर उस पर तुरई की लतर चढ़ा दी थी। उस दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहाँ कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतरा था और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या पांचवें दिन रात को भयानक वर्षा तो हो ही रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे कमरा रोशनी से नाच नाच उठता था। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ा। कितने में धड़ 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 धड़ाम भयानक आवाज़ हुई। माँ भी चौंक पड़ी पर उठी नहीं। मुन्ना आँखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। घेघा बुआ की आवाज़ सुनाई पड़ी, किसका मकान गिर गया? हाय राम, गुलकी का? किसी का, दुरागत उत्तर आया। अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं, आज तो मेवा की माँ के यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में यह सवाल जवाब इधर से उधर और उधर से इधर आ रहे थे। वह फिर कांप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना के ही आंगन में बैठकर रो रही हो। नींद में वह स्वर कभी दूर कभी पास आता हुआ लग रहा है, जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जाकर रो रही है, पर कोई सुन नहीं रहा है सिवा मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर बनाती है कि उधर से उनका ध्यान हटे ही नहीं। सामने गुलकी थी तो वह एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वह जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी और 2-4 घरों से मांग मूंग कर खाने लगी। उस गली में दिखती ही नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़े आ रहे थे, उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वह था, घेघा बुआ को वोट दो। पिछले दिनों म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में दो पार्टियां भी होती थीं, पर दोनों को घेघा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था, अतः दोनों गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए ही वोट मांगती थीं। उस दिन जब घेघा बुआ के धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गलियों से विभूषित अपनी पहली इलेक्शन स्पीच देने जो ही चौतरे पर अवतरित हुई कि उन्हें डाकिया आता हुआ दिखाई पड़ा, वह अचानक रुक गई। डाकिये के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था और वह गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड लिया, एक सांस में पड़ गईं। उनकी आंखें मारे अचरज के फैल गईं और डाकिये को यह बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाली के उसारे में रहती है, वे झट से दौड़ी दौड़ी निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गईं। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशवरा होता रहा और अंत में बुआ आईं और उन्होंने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुलाए ला। पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं वरन सत्ती साबुन वाली थी और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर से
वह काले बेंट का चाकू लटक रहा था जिससे वह साबुन की टिक्की काट कर दुकानदारों को देती थी। उसने आते ही भौं सिकोड़ कर बुआ को देखा और कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपया किराया बाकी था, तुमने 15 रुपये का सौदा उजाड़ दिया, अब क्या काम है? अरे राम राम, कैसा किराया बेटी, अंदर जाओ अंदर जाओ। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमियत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किमाड़ बंद कर लिए। बच्चों का कौतूहल बहुत बढ़ गया था। बुआ के चौके में एक झंझरी थी। सब बच्चे वहाँ पहुँचे और आँख कान लगाकर कनपट्टियों पर दोनों हथेलियाँ रखकर घंटी वाला बाइस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया है, इसलिए कि उसकी रखैल को बच्चा हुआ है, जो जाके गुलकी झाड़ू बहारू करे, खाना बनावे, बच्चा खिलावे। और वह मरद का बच्चा गुलकी की आंख के आगे रखैल के साथ गुलछर्रे उड़ावे। निर्मल की माँ बोली, अपनी बिटिया, पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करेगी ना, जब उसकी पत्नी आई है तो गुलकी को जाना चाहिए, और मरद तो मरद, एक रखैल छोड़ दुई दुई रखैल रख ले तो औरत उसे छोड़ देगी। राम राम, नहीं छोड़ नहीं देगी तो जाए के लात खाएगी। सत्ती बोली, अरे बेटा। बुआ बोली, भगवान रहे ना, तौन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारिन तो ओकर कुबर सीधा हुई गवा, पति तो भगवान है बिटिया, ओका जाय देव। हाँ हाँ, बड़ी हितु ना बनिए, उसके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती हैं, मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया, पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे डपट कर बोली, खबरदार, जो कच्ची जबान निकाल लो, तुम्हारा चरित्र कौन नहीं जानता, वही छोकरा मनिक, जबान खींच लूँगी। सत्ती गला फाड़ कर चीखी, जो आगे एक हरूफ कहा, और उसका हाथ अपने चाकू पर गया। अरे अरे अरे, बुआ सहम कर 10 कदम पीछे हट गईं। तो का खून कर बो का, कतल कर बो का? सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाए, उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल लेते और फिर डोरी में बांधकर उन्हें उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक एक बर्रे उड़ाते हुए जब गली में पहुँचे तो देखा बुआ के चौतरे पर टीन की कुर्सी डाले कोई आदमी बैठा है। उसकी अजब शक्ल थी, कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिची आँखें, मोछा और तेल से चुचुवाते हुए बाल, कमीज़ और धोती पर पुराना बदरंग बूट, मटकी हाथ फैलाए कह रही है, एक डबल दैदेव, एक दैदेव ना। मुन्ना को देखकर मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी, गुलकी का मनसेधु आवा है, ए मुन्ना बाबू, एक कुबड़ी का मनसेधु है। फिर उधर मुड़कर, एक डबल दैदेव। तीनों बच्चे कौतूहल में रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भरकर लाई और उसे देते देते निर्मल के हाथ में बर्रे देखकर उसे डांटने लगी। फिर बर्रे छुड़ाकर निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटा, ये हमारी निर्मला है, ऐ निर्मल, जीजा जी हैं, हाथ जोड़ो। बेटा, गुलकी हमारी जात बिरादरी की नहीं है तो का हुआ, हमारे लिए जैसे निर्मल वैसे गुलकी। अरे, निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप की दांत काटी रही, एक मकान बचा है, उनकी चिहारी और का। एक गहरी सांस लेकर निर्मल की माँ ने कहा, अरे तो का उन्हें कोई इनकार है? बुआ आ गई थी। अरे 100 रुपये तुम देवे की रहियो, चलो 300 और दे देव, अपने नाम कराए लेव, 500 से कम नहीं होगा। उस आदमी का मुंह खुला, एक वाक्य निकला
और मुंह फिर बंद हो गया। भवा भवा, ऐ बेटा द माधव, 500 का बहुत तो का निर्मल की माँ को इनकार है। अकस्मात वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे आगे सत्ती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुल की। सत्ती चौतरे के नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सिर उठाकर देखा और अचका कर सर पर पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती दो एक क्षण उसकी ओर एक टक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है। गुलकी आगे बढ़कर मार दो चपोटा इसके मुंह पर। खबरदार जो कोई बोला। बुआ चट्ट से देहरी के अंदर हो गई। निर्मल की माँ की जैसी घिघी बंद गई और वह आदमी हड़बड़ा कर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुलकी, बड़ा आया वहाँ से विदा कराने। गुलकी आगे बढ़ी, सब सन्न थे। सीढ़ी चढ़ी, उस आदमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी, सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पाँव पर गिर के फफक फफक कर रोने लगी। हाय, हमें काहे को छोड़ दियो, तुम्हारे सिवा हमारा लोक परलोक और कौन है। अरे हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई। सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़ी हिकारत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से में थूक निगलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ और बुआ गुलकी के सर पर हाथ फेर फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया, मत रो, सीता मैया भी तो वनवास भोगिन रहा। उठो गुलकी बेटा, धोती बदल ले, कंघी चोटी करो, पति के सामने ऐसे आना असगुन होता है। चलो। गुलकी आंसू पोंछती पोंछती निर्मल की माँ के घर चली। बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, ऐ चलो यहर, हुआ लड्डू बट रहा है का। दूसरे दिन निर्मल के बाबू ड्राइवर साहब, गुलकी और जीजा जी दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की माँ ने पूछा, पक्का कागज लिख गया। हाँ हाँ रे, हाकिम के सामने लिख गया। फिर जरा निकट आकर फुसफुसा कर बोले, मट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल दोनों को विदा करो। अरे पहले 100 रुपया लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है। निर्मल की माँ उदास स्वर में बोली, बड़ी चंट है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रख रही है, मर के सांप होएगी। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। शंख, घंटा, घड़ियाली, केले का पत्ता, पंजीरी, पंचामृत का आयोजन देखकर मुन्ना के अलावा सब बच्चे इकट्ठा थे। निर्मल की माँ और निर्मल के बाबू पीठे पर बैठे थे। गुलकी एक पीली धोती पहने माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पहुँच कर कहा, ए गुलकी जीजा जी के साथ जाओगी क्या। कुबड़ी ने झेप कहा, धत रे, ठिठोली करता है। और लज्जा भरी जो मुस्कान किसी भी तरुणी के चेहरे पर मनमोहक लाली बनकर फैल जाती, उसके झुर्रियोंदार बेडौल नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से विभस्त लगने लगी। उसके काले पपड़ीदार होंठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे और अत्यंत कुरुचिपूर्ण ढंग से उसने अपने पल्ले से सर ढांक लिया और पीठ सीधी कर जैसे कोबड़ छिपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसा कर मेवा से कहा, क्यों रे जीजा जी कैसे लगे तुझे। मेवा ने असमंजस में या संकोच में पड़कर कोई जवाब नहीं दिया तो जैसे अपने को समझाते हुए गुलकी बोली, कुछ भी होए, है तो अपना आदमी, हारे गाढ़े कोई और काम आएगा, औरत को दबाए के रखना ही चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया सत्ती हमसे नाराज है, अपनी सगी बहन क्या करेगी जो सत्ती ने किया हमारे लिए। ऐ चाची और बुआ तो सब मतलब के साथी हैं, हम क्या जानते नहीं। पर भैया अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से अपने मर्द को छोड़ दें,
सो नहीं हो सकता। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटने के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसे देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर देंगे। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे। क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे जीजा जी को भगवान बनाए रखें, खोट तो हम ही में है, फिर संतान होगी तब तो सौत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सर ढका और लजाकर उधर पीठ कर ली, बोली, राम राम, कितने दुबरा गए हैं, हमारे बिना खाने पीने का कौन ध्यान रखता। अरे सौत तो अपने मतलब की होगी, ले भैया मेवा, जा दो बीड़ा पान दे जीजा को। फिर उसके मुंह पर वही लाज की बिभत्स मुद्रा आई, तुझे कसम है बताना मत किसने दिया है। मेवा पान लेकर गया पर वहाँ किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहे हैं पर इतना कहे देते हैं, आप भी समझा दें उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, ना दूध की ना पूत की, हमारे कौन काम की, पर हाँ औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारू करे तो दो रोटी खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जबान लड़ाई तो खैर नहीं, हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबड़ निकला अगली बार परान निकलेगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिया। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा। कथा की भीड़ भाड़ से उनका मूड पिराने लगा था, अतः अकेली गुलकी सारी तैयारी कर रही थी, मटकी कोने में खड़ी थी, मिरवा और झबरी बाहर घुमसुम बैठे थे। निर्मल की माँ ने बुआ को बुलवा कर पूछा कि विदा विदाई में क्या करना होगा, तो बुआ मुंह बिगाड़ कर बोली, अरे कोई जात बिरादरी की है का, एक लोटा में पानी भर के इकन्नी दुवन्नी उतार के परजा पजारू को दे दियो बस। और फिर बुआ शाम को बियारी में लग गई। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियाँ रखी। मटकी और मिरवा चुपचाप आकर इक्के के पास खड़े हो गए, सर झुकाए पत्थर सी चुप गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वह आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी और टेंट से 2 अधन्नी निकाले, ले मिरवा, ले मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने कैसा संकोच उसे आ गया कि वह हाथ नीचे कर दीवार से सट कर खड़ी हो गई और सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं बेटा, ले लो, गुलकी ने पुचकार कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए और मिरवा बोला, छलाम गुलकी, ए आदमी छलाम। अब क्या गाड़ी छोड़नी है, वह फिर भारी गले से बोला, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है। सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा, मुन्ना की माँ चली आ रही है। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे कि स्कूल से आ जाए, उसे नाश्ता करा लें तो आएं, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तू चली। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदाई होती है, लाओ जरा रोली घोलो जल्दी से, चावल लाओ और सिंदूर भी ले आना। निर्मल बेटा, तुम बेटा उतर आओ इक्के से। निर्मल की माँ का चेहरा स्याह पड़ गया था, बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़े ही दिखाना था। नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है, हमारा भी तो फर्ज था। अरे माँ बाप नहीं है तो मोहल्ला तो है,
आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के नीचे छिपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उसे चिपका लिया। गुलकी, जो अभी तक पत्थर सी चुप थी, सहसा फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे वह मायके से जा रही है, मायके से अपनी माँ को छोड़कर, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर। और वह अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित्र स्वर से रो पड़ी। ले अब चुप हो जा, तेरा भाई भी आ गया, वे बोली। मुन्ना बस्ता लटकाए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर रोते देखकर वह बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा हो गया। आ बेटा, गुलकी जा रही है ना आज, दीदी है ना, बड़ी बहन है, चल पाँव छू ले। आ इधर, माँ ने फिर कहा। मुन्ना और कुबड़ी के पाँव छुए। क्यों क्यों, पर माँ की बात एक क्षण में उसके मन में जैसे एक पूरा पहिया घूम गया और वह गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़कर उसे चिपका लिया और फूट पड़ी। हाय मेरे भैया, अब हम जा रहे हैं, अब किससे लड़ोगे मुन्ना भैया, अरे मेरे वीरन, अब किससे लड़ोगे। मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा सा आंसू जमा हो गया जो अब छलकने ही वाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज़ दी और गुलकी कराह कर मुन्ना की माँ का सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। इक्का खड़ खड़ कर चल पड़ा। मुन्ना की माँ मुड़ी की बुआ ने व्यंग किया, एक आध गाना भी विदाई का गाए जाओ बहन, गुलकी बन्नो ससुराल जा रही है। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है। पर पागल मिरवा ने, जो बम्बे पर पांव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वह सचमुच गला फाड़ कर गाने लगा। बन्नो डाले दुपट्टे का पल्ला, मोहल्ले से चली गई राम। यह उस मोहल्ले में हर लड़की की विदा पर गाया जाता था। बुआ ने घुड़का तब भी वह चुप नहीं हुआ, उल्टे मटकी बोली, काहे ना गावे, गुलकी ने पैसा दिया है। और उसने भी सुर मिलाया, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई, मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अधन्ना दिया है, ले 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 ले, बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा। और उसकी आंख में दो बड़े बड़े आंसू डबडबा आए। उन्हीं आंसुओं के झिलमिल में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुलकी आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मोड़ पर एक धचके से इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तर इक्के के साथ गई और फिर लौट गई। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और मेरा प्रयास भी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।